दयावती जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। तबीयत ठीक है भाई साहब? थोड़ी ढीली लग रही है। सुस्त रह रहा हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। सुस्त ना रहो भाई साहब, खुश रहो। आशीर्वाद आपका तो सब लोगों का बहुत दुआ देते हैं, सब लोग ठीक हो रहे हैं। आपके लुक से सबको बड़ा कामयाब बना रहे हैं। जो तकलीफ मतलब डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते, वो आपके छोटे छोटे नुस्खे ठीक कर देते हैं। बुजुर्ग लोगों के तो 40 साल से ऊपर वाले लोगों को तो यूरिन इन्फेक्शन और ये दमा ये इतना हो जाता है, आपके नुस्खे इतने अच्छे कामयाब हो रहे हैं ना कि बहुत अच्छे लोग बहुत दुआ देते हैं आपके अच्छे काम। छोटी थोड़े थोड़े पैसों में ठीक हो जाते हैं लोग। तो आप तो खुश रहो, भगवान सबका आशीर्वाद है और भगवान का तो है ही आपके। धन्यवाद धन्यवाद। और कोई सवाल है हमारी बहन का? हाँ भाई साहब, सवाल है, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप गोंद चिए में बताओ कि धनिया और अलसी, तो गोंद मोरिंगे में भी कोई ऐसा है जो कि जल्दी कामयाब हो, काम करे, जैसे बालों के लिए उनके साथ कुछ ले हुए तो जल्दी मतलब अच्छा नुस्खा बन जाए? देखिए, एक तो ये गोंद मोरिंगा आपको पता ही है, दूसरा अलसी के साथ अगर नमक जैतून लिया जाए तो ये भी स्किन की डाइट है, और स्किन की डाइट में ही बालों की डाइट छुपी हुई होती है, तो इसके साथ ले सकते हैं। ये भी तेज़ी से काम करता है, और नारियल पानी के साथ ले सकते हैं तो ये और तेज़ी से काम करता है। और आपका तो हमारे पर बड़ा आशीर्वाद है कि सब जानते हैं कि मैं एक मामूली हकीम हूं और मेरे नुस्खों से लोगों को फ़ायदा पहुंच जाता है, और ये इस बात का सबूत है। कभी मैं भी बीमार हो जाता हूं, फिर हफ्ता दो हफ्ता दवा लेता हूं, मुझे भी, मैं भी मामूली आदमी हूं, लोग मुझे कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं जानता हूं मैं एक मामूली सलाहकार हूँ आपका, आपका मददगार हूँ, और आप जैसे लोग जुड़े हैं तो हमें बड़ी, हमारा जो मकसद है लोगों को रोग मुक्त करने की ये मुहिम है, उसके आप सुतून हैं। सुतून कहते हैं थंब को। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक तो नींव होती है उसकी और एक थंब होते हैं, पूरी बिल्डिंग उस पर खड़ी हो जाती है। तो आप जैसे लोग हमारे प्रोग्राम के सुतून हैं, हमारी मुहिम के, यानी थंब हैं जो मोटे मोटे होते हैं, उनके बगैर बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती थी। अब ये ऐसे थंब बन गए हैं कि इस पर कितनी भी मंजिलें बना लो, ये सुतून बहुत मजबूत हैं, जिसमें कर्नल वर्मा, दयावती जी, आशा जी, सुधा जी और जाने कितने बेशुमार लाखों लोग, इसके लाखों सुतून हैं हमारी मुहिम के। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भगवान सलामत रखे। इसी के साथ अगले कॉलर राजस्थान से हैं, उमा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ मुझे गैस बहुत होती है डॉक्टर साहब, ये पास नहीं होती गैस से, तो गैस से पास ना होने से दर्द बहुत होती है, कांप जाती हूँ मैम, बहुत दर्द होती है। उम्र बता दीजिए। 65 साल। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर आप खुद बना लें तो बहुत अच्छा है। सौंफ 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 200 ग्राम लीजिए। और एक आता है नमक जैतून, जैतून का जिसका तेल आता है ना, उसका नमक भी आता है, ये रसायन को कहते हैं, रसायन जैतून को नमक जैतून आसान लैंग्वेज में कहते हैं, इसे इंग्लिश में एस्टेक जैतून भी कहते हैं, यानी उससे दवा निकाल ली जाती है जो नमक के रूप में होती है लेकिन नमकीन नहीं होती। अब इसे आप उसमें मिला दीजिए 100 ग्राम 150 ग्राम जो मैंने आपको बताया नुस्खा, और इसको घर में पाउडर बना के आधा आधा चम्मच खाने से पहले 2 या 3 बार ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको वर्षों पुरानी बीमारी बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन। अगले कॉलर हैं कानपुर से, शगुफ्ता हमारे साथ, स्वागत है आपका।
हेलो। हाँ, मेरे चेहरे में झाइया बहुत है, उसका इलाज पूछना था। चेहरे पे झाइया? हाँ, और झाइया बहुत है। और ये यूनानी दवाई मिलती कहाँ यहाँ कानपुर में? यूनानी दवाई जी आपने पूछा दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं। अगर किसी बड़ी दुकान पे देखेंगे तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद लिख लीजिए, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप 100-200 ग्राम बस ख़रीद लीजिए, और इसको आधा ग्राम रोज़ाना दूध में या पानी में डालकर मिलाकर पी लिया करिए। अगर आपको कुछ ऐसा हो कि मीठा मीठा वगैरह डालना हो वो भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो। दिन में एक बार काफी है और ये लगातार पीजिए। पंजाब से अगले कॉलर हैं सपना हमारे साथ, स्वागत है सपना जी आपका। हाँ जी नमस्ते। ग्रे जी नमस्कार। हिंदी में गल करनी है जी, करिए बात। बताइए जी, बताइए तुसी क्या कहते हो। हाँ जी, मेरे लड़के है ना 25 साल का साजन, उसको ना डॉक्टर जी काला पीलिया हो गया ना, साजन है नाम। काला पीलिया हो गया 25 साल के बच्चे को? हाँ जी 25 साल की उम्र है। ठीक है, देखिए एक सिरका आता है एलोवेरा का सिरका, सिरका एलोवेरा का, और वो 3 चम्मच पानी में डाल के रोज़ाना एक बार या दो बार बच्चे को पिलाया करिए, मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा मुमकिन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मैं संतोष बात कर रहा हूँ। कहाँ से? जी मैं बात कर रहा हूँ बाला से। ठीक है संतोष जी, आपका सवाल। मैं बालों की डाइट के बारे में बात करना चाह रहा था कि हिसाब से बाल उतरते हैं, बाल उतरते हैं, बाल टूटते हैं, तो खाने में क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नुस्खा हो सकता है जो बालों का हकीम साहब बताते हैं प्रोटीन पूरे तरीके से आ पाए। चाहिए बाल आपके उतर रहे हैं या आपकी मिसेज के? मेरे उतर रहे हैं। अच्छा, और देखिए बालों की सुरक्षा में कई चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरी है और विटामिन ई का इस्तेमाल ज़रूरी है, और ऐसे जो आते हैं शैम्पू या साबुन उनसे ज़रा कम इस्तेमाल किया करें। नज़ला खांसी बलगम है तो उसका इलाज करें, अगर वो नहीं है तो फिर देखिए एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद याद रखें, लाल वाला नकली होता है, तो कोई भी लाल लेकर अगर खाएगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर पी लिया करिए, और अगर आप रईस हैं तो ये एक नारियल पानी में मिलाकर पीजिए आधा ग्राम रोज़ाना, आप देखेंगे बाल ऐसे जैसे मेरे बाल हैं अभी बुढ़ापे में भी, तो ये आपको लगातार कई महीने लेना चाहिए। मेरठ से अगली कॉलर हैं विनीता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम मुझे आंखों की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या दिक्कत है आंखों में? मेरी आंखों का नंबर प्लस में है 6। मुझे डॉक्टर से पूछना था कि मतलब क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से? जी 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 हाँ, देखिए अभी शायद फायदा भी आपको हो जाए, और जिनको भी आंखों की परेशानी है बच्चे या बड़े उनके लिए, या दिमाग की कोई परेशानी है, तो इसमें एक डाइट आप इस्तेमाल करें। देखिए ये जो गाजर होती है ये बड़ी गजब की चीज़ है, गाजर का हलवा खाया करें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गाजर का जूस पिया करें, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 गिलास गाजर का जूस और उसमें 0.5 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद याद रखना, सफ़ेद वाला लेना, ये बहुत अच्छा होता है और ये असली होता है, बाकी जो मार्केट में मिल जाते हैं अक्सर नकली होते हैं लाल वाला या ऐसा, तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम 1 गिलास गाजर के जूस में मिलाकर रोज़ पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। नोएडा से अगले कॉलर हैं हरीश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम जी, मैं 71 का होने वाला हूँ, कमजोरी बड़ी फील होती है मुझे। जी
कमजोरी बहुत फील होती है। कमजोरी बहुत फील होती है इनको। हाँ देखिए, ये कमजोरी की उम्र है, और अगर आप अभी भी ये चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस तक सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आए, तो आपको चाहिए कि माजून अखरोट प्राश रोज़ाना एक खुराक या दो खुराक लिया करें। पानी से लें, बग़ैर चर्बी के दूध से लें, और रोज़ाना लिया करिए। ये तवानाई और बुज़ुर्गों के लिए सोना साबित हो सकता है। यूपी से उत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि मुझे पेट में राइट साइड में कुछ दर्द सा बना रहता है। कब से है ये दर्द? दर्द नहीं है, मतलब कुछ भारीपन सा रहता है, भारी भारी सा लगता है, जैसे कुछ रखा हुआ है। अच्छा, और कोई तकलीफ? एज बता दीजिए। जी चलिए, आपकी एज 35 साल हमने बोल दी, आप नहीं बताते तो 35 से 40 साल आपकी उम्र है, और वैसे तो 22 साल से ज़्यादा के लोग इस नुस्खे को ले सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अच्छा नुस्खा है, एक बहुत कामयाब है। और देखिए, आंवला सूखा मिलता, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, ये लीजिए और घर में पाउडर बनाइए। और नमक आता है जिसे रसायन भी कहते हैं, रसायन आता है जैतून का रसायन, जिसे नमक जैतून भी कहते हैं या एस्टेक जैतून भी कहते हैं, 100 ग्राम इसमें मिला दीजिए, और आधा आधा ग्राम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। आधा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, आधा आधा चम्मच लिया करें। देखिए, फ़ायदा तो आपको पहले दिन से ही लगेगा, लेकिन ये पूरा मटेरियल ख़त्म कर लेना जब तक खाना, ताकि ये तमाम पेट के इमराज को अच्छा कर सके। जी, यूपी से ही अगले कॉलर हैं, आरके श्रीवास्तव जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी, सवाल क्या है आपका? अरे, मेरे टाइम किडनी में पथरी है 9 mm की, और दूसरा ये है कि मैंने स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराया था, इसके बावजूद भी पैरों में बड़ी झंझनाहट वगैरह रहती है, तो प्रॉब्लम है। एज क्या है आपकी? 68 है। 68 जी। जी मिस्टर श्रीवास्तव, वास्तव में जो ऑपरेशन आपने कराया है, इससे पहले अगर आप मिलते तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम लीजिए नाश्ते के बाद। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट का आपको इस्तेमाल करना है जब तक आप उस यानी जिंदा हैं, और ऐसे कोई भी कमर की डिस्क का ऑपरेशन जिन्होंने कराया है, अगर उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, किडनी के लिए बहुत आसान नुस्खा है एक, देखिए, एक आता है नमक जैतून, ये देखने में नमक जैसा और जायके में नमकीन नहीं होता, ये रसायन जैतून भी कहते हैं इसे, और एस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा है, इसका आधा ग्राम सुबह एक गिलास पानी में मिलाकर, और एक नींबू भी निचोड़ लें इसमें, और ये एक गिलास पिए, और पीछे से 2 गिलास पानी और पिए, ऐसे आप सुबह और शाम 2 बार किया करें, और पानी जितना पिया जा सके पीजिए। ये आपके पथरी को जाके पाउडर बना देता है, और पानी और पेशाब का प्रेशर उस पथरी को आसानी से निकाल सकता है। जी, मालेगांव से नेक्स्ट कॉलर हैं, मोहन लाल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। आसिम जी नमस्ते। जी जी, आदाब मोहन लाल जी। मेरी उम्र है 70 साल है। मेरे को अभी क्या तकलीफ हो रही है कि मेरे जो तलुए हैं, पांव के तलुए, वो एकदम सुनने रहने लगे,
पतले जिसको बोलते हैं जैसे अपने नींद आई हुई रहती है उस टाइप से। जी समझ गया मैं। हाँ देखिए खूब ऐसे ही अपना ख्याल रखा करिए। और एक आता है गोंद स्याह जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और देखना वहाँ पर नकली बहुत मिलता है माले गाँव में ये सब चीज़ें। ये जायके में बहुत कड़वा होता है, और ये अगर मिल जाए आपको 100-200 ग्राम तो आप आधा आधा ग्राम सुबह और शाम पानी से बगैर चर्बी के दूध से या शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हकीम साहब से बात करने की। जी आपकी बात। जी आदाब बताइए, क्या सवाल है? नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब, जीते रहिए। जी हकीम साहब, मेरे ना गले में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है 15-20 दिन से। मुंह में छाले हो रहे हैं और गले में भी टॉन्सिल जैसे कुछ हो रहा है। जी। क्या उम्र है और पहले भी हुआ है क्या आपको ये? एक कभी नहीं हुआ, 61 साल उम्र है। वो तो आपकी आवाज़ से ही लग रहा है साहब, हो सकता है और 1-2 साल ज़्यादा ही हो। हाँ देखिए, अगर फ़िलहाल की तकलीफ है तो मैंने उसका बता देता हूँ। ये मेथी है ना, मेथी पानी में भिगो दीजिए और उबाल लीजिए चाहे तो, उसमें एक चुटकी नमक या खाने का सोडा मिलाकर इसके गरारे कीजिए, जितना भी हो सके इतना गर्म पानी हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और थोड़ा सा ये मेथी का पानी पी भी लीजिए, तो आप 4-6 दिन करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है।